कालपी के हिंदी भवन में रविवार को देर शाम को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विख्यात कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी और श्रोताओं की तालियां भी बटोरी। देर शाम किए गए इस आयोजन में कालपी के हिंदी भवन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, इसमें प्रमुख रूप से कवि मौजूद रहे। उनका नाम है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी दिल्ली, आसिफ शमसी सरहानपुर, सत्य चंदन जयपुर, मनोज अबोध दिल्ली, शीतल वाजपेयी कानपुर, निधि सिन्हा निधा कालपी आदि जाने माने लोग यहाँ मौजूद थे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम काफी देर रात तक चला और जनपद के एएसपी सुरेंद्रनाथ तिवारी, उप जिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला, सीओ सुबोध गौतम आदि ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। कवि सम्मेलन में शिक्षकों बुद्धिजीवियों के अलावा समाज सेवियों की भारी संख्या में मौजूदगी रही। आपकी बात अच्छी लगी, ये मुलाकात अच्छी लगी, ये मुलाकात अच्छी लगी, आपकी बात अच्छी लगी। और स्वप्न में आप जब आ गए, स्वप्न में आप जब आ गए, हमको वो रात अच्छी लगी, हमको वो रात अच्छी लगी। ये कैसा दौर है, अपनों में अपनापन नहीं मिलता, सभी के हाथ मिलते हैं, किसी का मन नहीं मिलता। जिधर देखो उधर रिश्ते सुलगते हैं चिताओं से, किसी के दिल में अब एहसास का सावन नहीं मिलता, किसी के दिल में अब एहसास का सावन नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। शुभ आरती है कालपी, मान अभिमान यश गान है बुंदेलखंड, ऋषियों की आन शुभ आरती है कालपी, धर्म द्वेष जाति भेद सबको भुला के सदा प्रीति रीति दिलों में संवारती है कालपी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी पिछले हफ्ते देखने को मिला। इतना बड़ा यहाँ काम हो गया हाईवे का और पूर्णतया शांति रूप से, धर्म द्वेष जाति भेद सबको भुला के सदा प्रीति रीत दिलों में सवारती है कालपी। और राजा बीरबल वेद व्यास जी की जन्मभूमि, राजा बीरबल वेद व्यास जी की जन्मभूमि, देश की धरोहर संभालती है कालपी, और हिंद का प्रथम हिंदी भवन तिलक है तो जो धर से पांव भी पखारती है कालपी, हिंद का प्रथम हिंदी भवन तिलक है तो जो धर से पांव भी पखारती है कालपी। जालौन से ये थी अहमद खान की रिपोर्ट।